हम इस वीडियो में कवर करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। और इससे पहले जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में 10 एमसीक्यूज पूछे थे उनके करेक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के बिल्कुल एंड में, और साथ में मिलेंगे 10 नए एमसीक्यूज। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या है मेथड्स ऑफ चार्जिंग? मेथड्स ऑफ चार्जिंग मतलब क्या होता है कि हम किसी बॉडी को कितने तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, अपने पास 12th में 3 तरीके हैं जिनसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की मदद से कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हम अब एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक। तो पहला है अपने पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जल्दी से एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, व्हेन टू बॉडी सरफेसेस रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन इज ग्रेटर और equal to the threshold energy of any surface, then there will be transfer of electron takes place and these two bodies get charged. इसका मतलब क्या है, देखिए कि हम क्या करते हैं, जब भी किसी एक बॉडी को के सरफेस को एक बॉडी के, इसमें जो हाथ है, इस बॉडी, इसको एक बॉडी मान लेते हैं, इसके एक सरफेस को इस दूसरे बॉडी के दूसरे सरफेस से अगर रब किया जाए तो होगा क्या, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। और अगर ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी भी हथेली के थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो जाए, तो जिसके बराबर होगा, जिसके थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा, वो वाला सरफेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाएगा और दूसरा वाला गेन करने लग जाएगा, जिसकी वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे। हाँ, वापिस से देखिए, मान लीजिए दो बॉडी है आपके पास और दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं, तो आपकी जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं मान लेता हूं कि वो ऊपर वाले बॉडी के थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। क्या पूछो भाई, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसी भी सरफेस का मतलब उतना एनर्जी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर दे। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई भी सरफेस इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर दे। तो मैं मानता हूं जो हीट प्रोड्यूस हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो ऊपर वाले सरफेस के थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। ये सरफेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लग जाएगा, लूज करने लग जाएगा। तो अगर ये सरफेस, लोअर सरफेस इस बॉडी का, अपर वाले सरफेस को ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, अगर बी वाले बॉडी, ए वाले बॉडी का लोअर सरफेस इलेक्ट्रॉन लूज करने लग जाता है तो होगा क्या, जो बी वाले का अपर सरफेस वो गेन करने लग जाएगा, यानी कि इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इससे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होने लग जाएगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए वाला बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो बी वाला बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो ये था कॉन्सेप्ट फ्रिक्शनल फोर्स का। अब देखिए, आपको कुछ एग्जांपल याद रखने पड़ते हैं, क्या रखने पड़ते हैं, कुछ एग्जांपल याद रखने पड़ते हैं कि कब किसके साथ किसको रब करेंगे तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये 5 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इनको भी। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा था, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस जो कि डेवलप होगा किसी वजह से रबिंग करेंगे। जब भी किसी दो सरफेस का रब करोगे दो टाइप के चार्जेस मतलब प्रोड्यूस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक बॉडी क्या करेगा, लूज करेगा और दूसरा बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखिए, जब भी आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करते हो, ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करोगे तो होगा क्या, जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो सिल्क रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, सिल्क ने उसका इलेक्ट्रॉन गेन किया। सिमिलरली और भी एग्जांपल है अपने पास, वुडन की जितनी भी चीजें होती हैं, वुलन की जितनी भी चीजें होती हैं, वुलन का कोट हो, वुलन का क्लॉथ हो, वुडन का कारपेट हो, उस सब पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। आप एक कॉमन व्यू लगा के चलोगे इसको, ठीक। और दूसरा, जितने भी प्लास्टिक की चीजें होती हैं, फाइबर की चीजें होती हैं, रबर की चीजें होती हैं, उन पे ज्यादातर नेगेटिव चार्ज आता है, ये हमेशा गेन कर रहे हैं। लास्ट पहुंचते किस पे, कैट स्किन पे और एबोनाइट रोड पे। देखो, अगर कैट स्किन को आप रब करोगे किसके साथ, एबोनाइट रोड के साथ, तो क्या होगा, कैट स्किन लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपको याद करना पड़ता है। देखो, बेसिकली कैसे याद रखोगे, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज, वुलन की चीजों पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक की चीजों पर, रबर की चीजों पर नेगेटिव चार्ज। मोस्ट कॉमनली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्लास वुलन पे पॉजिटिव, प्लास्टिक पे पूछा जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल पूछा जाता है कि आपने कॉम को हेयर में मतलब हेयर के साथ रब किया तो कौन सा चार्ज आएगा, तो कॉम मतलब प्लास्टिक है, प्लास्टिक मतलब रबर चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखिए, तो प्लास्टिक की चीजों पर, रबर की चीजों पर ज्यादातर नेगेटिव चार्ज आता है, आपको ये बेसिकली याद रखना पड़ेगा, और वुलन और ग्लास पे ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो दूसरा है अपने पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर अपने बॉडी को कोई एक न्यूट्रल बॉडी है जिसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है, क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज बनाना है,
ठीक, एक न्यूट्रल बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बनाए, देखिए कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चार डायग्राम में खत्म करेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है जिसको हमने क्या किया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया है। किस पर रख दिया है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर, जो स्टैंड में नीचे बना हुआ उसको बार बार नहीं लिखूंगा। ये आप मान चलोगे क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब प्लास्टिक प्लास्टिक का स्टैंड होगा। ठीक, इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने एक कंडक्टर मेटल रख दिया जो कि फिलहाल न्यूट्रल है। अब मुझे इंडक्शन के थ्रू उसको चार्ज करना है, कौन सा, पॉजिटिवली। तो मैं क्या करूंगा, देखो आपसे जो भी चार्ज करने के लिए बोला जाए उसका अपोजिट चार्ज इसके पास इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोड्यूस मतलब क्या, इसके पास लाके रख दो, टच नहीं कराना है, बस पास लाके रखना है। मुझे इस बॉडी का चार्ज लाना है पॉजिटिवली चार्ज, तो मैं क्या करूंगा, एक नेगेटिव चार्ज लेके आऊंगा इसके पास, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊंगा इसके पास, बिल्कुल पास में लेके आऊंगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, देखिए ये जो कंडक्टर है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर फिलहाल एग्जांपल के लिए कि तीन पॉजिटिव चार्ज, तीन नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके अंदर जितनी पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी सारे पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर आ जाएंगे, इधर की ओर आ जाएंगे, है ना, सारे सारे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इधर की ओर आ जाएंगे। और इधर नेगेटिव चार्ज है वो जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा उसको धक्का मार के रिपेल करके दूसरे साइड पहुंचा देंगे, ये नेगेटिव चार्ज को इधर पहुंचा दिया गया, ये नेगेटिव चार्ज क्या कहते चले जाए दिख मजी। तो ये बात हो जाएगी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होना, कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इधर आ जाना और नेगेटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से उधर चले जाना। अब दूसरे में हम क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो पहले ही बेचारे से लात घुसे खा रहा था, अब इसको जाना था बाहर, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी मदद कर लेंगे। ये रहा हमारा बॉडी जिसमें इंडक्शन ऐसे करके बोला था, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रखा था और यहाँ पे माइनस चार्ज इधर की ओर आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंट्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज, है ना, जो आपने इंट्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज किया था उसकी वजह से ऐसा होता है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया था ऐसे करके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जाके इसको एक रास्ता दे दिया ताकि ये ट्रांसफर हो सके, हमने क्या कर दिया यहाँ पे आकर अर्थिंग। अर्थिंग मतलब क्या है कि आपने एक वायर जोड़ दिया और अर्थ से कनेक्ट कर दिया उसको। तो अब क्या होगा, नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ना, सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ रखे हैं, तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, रिपल्शन कर रहा है, रिपेल कर रहा है, बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, जा रहा है, ये घर छोड़ के निकल लेता है। ये क्या करता है, इस बार के थ्रू सारे सारा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर अर्थ में धीरे धीरे ट्रांसफर होगी तो सारे सारे नेगेटिव चार्ज यहां से वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इतना हो जाता है हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले अर्थिंग को हटा देंगे, काट देंगे अर्थिंग को। जैसे ही आपने पहले अर्थिंग को हटाना होता है, इंट्रोड्यूस चार्ज को आप यहीं पे रखोगे, माइनस चार्ज यहीं पे रहेगा और अर्थिंग को आपने हटा दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है अभी भी फिलहाल ये, और यहाँ पे सारे सारे पॉजिटिव चार्ज आ रखे हैं। देखिए अब क्या करूंगा, जैसे ही पहले तो अर्थिंग हटाना होता है और फिर दूसरा क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस चार्ज जो अपन ने ला रखा है यहाँ पे उसको भी हटा देंगे, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे हम इंट्रोड्यूस चार्ज हटाएंगे तो इस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो वो तो हट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रखा है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड द बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज, द बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज, खत्म हो गया बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर। तो ये एग्जांपल के थ्रू समझना था। वैसे आप होमवर्क करोगे कि अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके थ्रू डायग्राम बना के देखोगे और कैसे बनाना है। ठीक, तो इस चार्ज को क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस चार्ज। मैं आपको इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, मान लीजिए जो इंट्रोड्यूस चार्ज आप लेके आए हो वो Q इंट्रोड्यूस IN बोल देता हूं उसको। ठीक, जो आपने चार्ज इंट्रोड्यूस किया वो कितना किया, QIN किया, और इस पे जो चार्ज जमा हुआ पॉजिटिव का उसको मैं स्मॉल Q बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, स्मॉल Q इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज जो कि बाद में जमा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो अगर आपको ये एक्स्ट्रा है, पहले बता रहा हूं ये क्या है, एक्स्ट्रा है जो कि आपके बोर्ड में हार्डली पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चार्ज जमा होगा, जैसे कि ये 5 कूलम है, ये 6 कूलम है, इंट्रोड्यूस चार्ज जो है 5 कूलम लेके आए, 6 कूलम लेके आए, तो बताइए बॉडी पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उस बॉडी पे वो उसका रिलेशन किसके साथ, इंड्यूस चार्ज के साथ जो होता है वो क्या होता है, क्यू, यानी कि जो बॉडी पे प्रोड्यूस होगा वो बराबर होता है इंट्रोड्यूस चार्ज क्यू इन इंटू में 1 - 1/k। अब यहाँ पे k क्या है, देखो q मतलब क्या है, जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस चार्ज, है ना। दूसरा है q in का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस चार्ज, इंट्रोड्यूस्ड चार्ज, कौन सा चार्ज, कितना चार्ज इंट्रोड्यूस किया गया था, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, कितना कूलम आप चार्ज लेके आए थे। और तीसरा क्या है अपने पास, k, k मतलब क्या होता है, k मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। हर एक मेटल सरफेस का अलग अलग होता है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जितने भी कंडक्टर होते हैं, के बता रहा हूँ, के की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक, तो जितने भी कंडक्टर होते हैं उन सब का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, वो इन्फिनिटी होता है, कितना होता है, इन्फिनिटी।
यानी कि आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे वन अपॉन में इन्फिनिटी कंडक्टर होता, अगर ये कोई कंडक्टर होता हम क्या बोलते हैं यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे एक ही जगह में क्योंकि इन्फिनिटी होता है डायरेक्ट कंडक्टर्स का, तो वन अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि सिर्फ वन, यानी कि जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो चार्ज इंट्रोड्यूस के बराबर होगा, यानी कि कंडक्टर के केस में अगर आप 5 कूलम का चार्ज इंट्रोड्यूस करते हो तो 5 कूलम का चार्ज भी इस पे जमा हो जाएगा, बस अपोजिट साइन का होगा, माइनस चार्ज लेकर आओगे तो प्लस चार्ज जमा होगा, प्लस चार्ज लेकर आओगे माइनस चार्ज जमा होगा। और दूसरा एक वाटर का भी याद रख लेना आपको, जो मोस्ट कॉमनली आपके आगे चैप्टर में आएगा, जो वाटर का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, वाटर का जो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो होता है 80 केल्विन, ठीक। तो और तीसरा है अपने पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं ऑलरेडी किसी चार्ज बॉडी को, कोई पहले से चार्ज बॉडी जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको हमने क्या किया एक न्यूट्रल बॉडी से टच करा देते हैं, क्या करा देते हैं टच कराएंगे इसमें पूरा पूरा, ठीक। जैसे आप किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ टच कराओगे तो होगा क्या, इस बॉडी का जो कुछ चार्ज है उस बॉडी में भी ट्रांसफर हो जाएगा और ये बॉडी में चार्ज हो जाएगा। तो चलिए इस पूरे टॉपिक पे आपसे जो 3 बेसिक चीजें पूछी जा सकती है वो मैं एक एक करके एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपके पास 2 बॉडी है, एक पे प्लस का 10 कूलम चार्ज है और दूसरा बॉडी जो है वो न्यूट्रल, ठीक। और अगर आपने इन दोनों बॉडी को आपस में टच करा दिया, क्या करा दिया टच करा दिया, तो बताइए दोनों बॉडी पे फाइनल चार्ज कितना होगा, ये इसको ए बोल देते हैं इसको बी बोल देते हैं, ए पे 10 कूलम का चार्ज था बी न्यूट्रल था और दोनों को अगर हम टच करा देते हैं तो बी पे फाइनल चार्ज कितना पहुंचेगा। देखिए जैसे आप टच कराओ तो जो दोनों पे चार्ज पहुंचता है वो एवरेज चार्ज पहुंचता है, यानी कि अगर टच करा के अलग कर दिया जाए ए को यहाँ पे ला दिया जाए या बी को यहाँ पे ला दिया जाए तो ए पे जो चार्ज जमा होगा क्यू वो होगा बराबर इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज और उसके अकॉर्डिंग टू एवरेज चार्ज लेंगे। पहले बॉडी का चार्ज कितना है 10 कूलम, दूसरे बॉडी का चार्ज कितना है न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का चार्ज कितना होता है 0 अपॉन में 2, यानी कि इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज अपॉन में 2 यानी कि एवरेज चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली बी पे भी जो चार्ज जमा होगा वो कितना होगा 10 प्लस में 0 अपॉन में 2 यानी कि एवरेज चार्ज, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा वो 10 प्लस में 0 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 कूलम और इस पे भी आ जाएगा 5 कूलम, ठीक। तो पहला तो ये था बेसिक था कि अगर एक बॉडी चार्ज है दूसरा बॉडी न्यूट्रल है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा टच कराने के सेपरेट करने के बाद वो एवरेज चार्ज जमा हो जाएगा। अब दूसरा जो आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है, देखिए दूसरा ये क्या, इस केस में आपके पास दोनों बॉडी चार्ज है, ए बॉडी ए वाला भी और बी वाला भी, मान लीजिए ये 10 कूलम का चार्ज बॉडी है और ये 6 कूलम का चार्ज बॉडी है, ठीक। दोनों पे चार्ज है इस बार Q1 और Q2 दोनों ही चार्ज है। तो अब फिर से इसको क्या किया गया टच कराया गया, ऐसे करके टच करा दिया गया, ठीक। और फिर से इसको अलग कर दिया गया और आपसे पूछा जाएगा टच करा के अलग कर दिया हमने तो बताइए फाइनल चार्ज दोनों पे कितना होगा ए और बी पे, हम क्या बोलेंगे भैया एवरेज चार्ज होगा। एवरेज चार्ज निकाल लेंगे, देखो ए पे जो चार्ज होगा QA वो कितना होगा एवरेज चार्ज इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज अपॉन में 2 यानी कि 10 प्लस में 6 अपॉन में 2, इस पे चार्ज कितना होगा एवरेज चार्ज होगा भैया बिल्कुल सही 10 प्लस में 6 अपॉन में 2 इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज अपॉन में 2, तो 10 प्लस 6 कितना होता है QA बता दीजिए से, तो 10 प्लस 6 कितना होगा 16 अपॉन में 2 यानी कि 8 कूलम, 8 कूलम चार्ज इस पे भी आ जाएगा और सिमिलरली 8 कूलम चार्ज इस पे भी आ जाएगा, यानी कि टच कराने के बाद इन दोनों बॉडी पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो कितना आएगा 8 कूलम और 8 कूलम। और तीसरा और लास्ट एग्जांपल की तरफ पहुंचते हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है, देखिए तीसरे में हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए आपके पास 3 बॉडी है, इस बार कितनी बॉडी है 3 बॉडी, ये रहा तीसरा ए ये रहा बी वाला है और सी ये वाला है, सी वाला जो है वो न्यूट्रल है, ठीक। ए पे 10 कूलम का चार्ज है बी पे 6 कूलम का चार्ज है। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि जो सी वाला न्यूट्रल बॉडी था उसको हमने पहले ए से टच करा दिया, किससे टच करा दिया ए से और फिर अलग कर दिया, और अलग करने के बाद जो सी वाला है उसको वापस पकड़ा और दूसरी बार बी से टच करा दिया, पहली बार किससे टच कराया ए से और दूसरी बार किससे टच करा दिया बी से टच करा दिया इसको, ठीक। और तीनों को अलग करके रख दिया तो बताइए तीनों पे कितना चार्ज आया। तो हम क्या करेंगे इस केस में पहले 2 बॉडी को करेंगे, फर्स्ट वाला केस जब ए केस थ्रू टच कराया गया था ए के साथ टच कराया था किसको सी को, तो जब सी को पहली बार ए से टच कराया तो ए पे चार्ज कितना था 10 कूलम का और सी तो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे चार्ज कितना होता है 0, तो स्टार्टिंग में जो चार्ज था वो 0 कूलम था। अब पहले तो जैसे ही इन दोनों को टच करा के अलग करोगे आप तो ए और सी पे फाइनल चार्ज कितना आएगा एवरेज चार्ज, और दोनों पे जो फाइनल चार्ज आएगा वो कितना आएगा क्यू ए और क्यू सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एवरेज 10 प्लस में 0 अपॉन में 2 यानी कि 5 कूलम इस पे भी और 5 कूलम इस पे भी, यानी जैसे ही आपने सी वाले को जो कि न्यूट्रल था उसको ए से टच कराया दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एवरेज चार्ज, और ए वाले पे फाइनल चार्ज कितना पहुंच जाएगा 5 का और सी वाले पे भी चार्ज कितना आ गया होगा अब 5 का। अब जब ये सी वाला जिस पे 5 कूलम का चार्ज आ गया है वो अब टच कराया गया किसके साथ बी वाले के साथ जिसका चार्ज कितना है 6 कूलम, तो अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ये पहला वाला केस हो गया फर्स्ट,
अब सेकंड वाले केस अलग से सॉल्व करें, हम क्या बोलेंगे ए पे तो फाइनल हो गया, ये फाइनल चार्ज है ए का, क्योंकि ए को फिर वापस कुछ नहीं कराया गया और वापस सी को टच कराया गया था बी के साथ, तो सी और बी ये रहा, सी ये रहा और बी ये रहा, सी पे 5 कूलम का चार्ज है फिलहाल क्योंकि ए से आ गया था और बी पे कितना कूलम का चार्ज है 6 कूलम का, इन दोनों को टच कराया और अलग कर दिया, तो दोनों पे जो एवरेज चार्ज बचेगा वो कितना बचेगा सी क्यू बी और क्यू सी निकालेंगे तो कितना बचेगा कि क्यू बी एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज मतलब क्या, प्लस का 5 कूलम प्लस में 6 कूलम अपॉन में 2 और इसमें कितना आ जाएगा 5 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी कि कितना आ जाएगा दोनों पे 6 5 11 अपॉन में 2 यानी कि 5.5 कूलम का चार्ज, इस पे 5.5 कूलम का चार्ज यानी कि ये फाइनल चार्ज हो जाएगा तीनों बॉडी पे, यानी कि ए फर्स्ट वाली बॉडी पे कितना कूलम चार्ज आएगा 5 कूलम और बी वाली बॉडी पे कितना आएगा 5.5 और सी वाली बॉडी कितना आएगा 5.5, तो ये मोस्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है जिसमें आपको तीन चार्ज दे दिया जाएगा, पहले इसको इससे टेस्ट कराया फिर इससे टेस्ट कराया फिर तीनों को अलग करके बताइए कितना चार्ज होगा, तो आप इस केस में क्या करोगे सबसे पहले दो के बीच में निकालोगे और फिर जो इस दोनों के बीच में निकालने की वजह से जो इस पे चार्ज जमा होगा उस चार्ज को कंसीडर करते हुए इसके थ्रू निकालो ठीक तीनों पे, तो ये थे चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो तीन एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर, ये थे तीन तरीके जिनसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, पहला था बाय फ्रिक्शन या फिर उसको हम बाय रबिंग भी बोल सकते हैं और दूसरा था बाय इंडक्शन और तीसरा बाय कंडक्शन, इंडक्शन में बस इंट्रोड्यूस करते हैं पास में लाते हैं टच नहीं कराते हैं और कंडक्शन में टच करा देते हैं किसको चार्ज बॉडी को किसके साथ न्यूट्रल बॉडी के साथ या फिर किसी भी चार्ज बॉडी के साथ, तो अब आपको मिलेगा पिछले वीडियो में पूछे गए एमसीक्यूज के आंसर जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया होगा और 10 नए एमसीक्यूज जो कि आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और बेस्ड है।